गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम इस वीडियो में गुणनखंड सीखेंगे, जिसमें फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस फॉर्मूला पर ये जो तीन गुणनखंड दिया गया है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है, वो आज हम लोग सीखेंगे। और इसमें ये जो भी गुणनखंड दिया हुआ है, इसमें देखिए कि एक तो एक फॉर्मूला ये लगने वाला है, और दूसरा फॉर्मूला जो कि आप लोग जानते भी हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके यूज करके इस फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में आप गुणनखंड को बना सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका 64x टू द पावर 4 प्लस 91। तो इसको सबसे पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझना, एक एक स्टेप को समझना है, क्योंकि इस पे आधारित जो भी प्रश्न बन के आए वो आप लोग बना पाए। तो चलिए, पहले क्या है, 64x टू द पावर 4 प्लस 81 है, तो पहले हम इस रूप में लाएंगे। किस रूप में लाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला स्टेप तो हम कर लेते हैं। 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, तो क्या करेंगे, 8x स्क्वायर का स्क्वायर कर लिए, और प्लस 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, यानी 9 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इसको मानना है 8x स्क्वायर को a और 9 को मानना है b, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके फॉर्म पर आ गया। अब इसको इस रूप में खोलना है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए कैसे खोलेंगे, a के a प्लस b पहले दिया हुआ, a प्लस b, तो a के स्थान पर कितना है 8x स्क्वायर, अब प्लस बी के स्थान पर 9 है, इसका स्क्वायर लगाना है तो लगा ली, बिल्कुल स्पष्ट है। और माइनस 2ab है, तो 2 और a के स्थान पर आपका आ जाएगा कितना 8x स्क्वायर, और b के स्थान पर आ जाएगा कितना 9, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट। दूसरा स्टेप भी आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को वैसे ही उतार लेते हैं, पहले लिख देते हैं, लिख दिए, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में 8 में और 9 में, तो क्या हो गया, 8 दुना 16, 16 नमा 144, यानी हो गया आपका 144x स्क्वायर, यहाँ तक स्पष्ट है। तो इसके रूप में हम खोल लिए, अब हमको इस रूप में बनाना है। आप जैसे हम इसको बनाए उसके इसी प्रकार से हम इस रूप में इसको बनाएंगे, तो ये पूरे को मान लीजिए, आप पूरे को मान लीजिए ए, और इसको बी मानना है, तो इसमें क्या करेंगे कैसे, तो इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं 8x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और 12x करेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 144x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसको देखिए, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया। देख लीजिए एक बार गौर से, देख लीजिए गौर से, अब हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या है, इसके फॉर्मूला पर खोलना है इसको, एक बार इसको जोड़ लेना है और एक बार घटा देना है, वही करना है, तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 9 तो है ही, और इसमें एक बार क्या करेंगे 12x को जोड़ लिए, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक, चलिए मिटा लिए।
एक बार क्या किए, a प्लस बी को जोड़ दिए और एक बार घटाएंगे तो कितना हो, a के स्थान पर है 8x² + 9 और b के स्थान पर है 12x, तो माइनस का 12x। एक बार क्या किए, इसको a इसको b मानेंगे तो एक बार इसको जोड़ लिए 12 को और एक बार घटा लिए। अब इसी को क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिख देंगे तो 8x² + पहले 12x लिख लेंगे, अब प्लस 9, बिल्कुल स्पष्ट लग रहा होगा। फिर देखिए इसको भी 8x² - 12x, ठीक है, अब प्लस 9, 8x² + 12x + 9 आ गया, 8x² - 12x + 9, यही दोनों क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार गौर से। अब हम दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में देखिए क्या है दिया है, 8 to the power 4 + 4b to the power 4। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, पहले a² + b² के फॉर्म पर बना लेते हैं इसको हम, तो क्या हो जाएगा, a² का स्क्वायर कर देंगे तो 2 × 2 = 4 आ गया, अब प्लस 2b² का स्क्वायर कर लेंगे तो b² हो जाएगा, 2×2 = 4b आ गया। अब क्या हो गया, a² + b² के फॉर्म पर आ गया, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, इसके रूप में खोलना है तो क्या होगा, a + b लिख दिए, a + b² बिल्कुल स्पष्ट है, a + b² माइनस 2ab, तो 2 × a के स्थान पर कितना हो गया a² और b के स्थान पर हो गया आपका 2b². देखिए पर गौर से, स्पष्ट है। अब फिर क्या देखिए, a² + 2b² का स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही ऊपर वाले को जैसे था वैसे ही लिख दिए, इसमें चेंजिंग केवल करना है, माइनस 2×2 = 4, तो कितना दे, 4a² और b² दोनों हो जाएगा। अब हम क्या किए, इसके रूप में खोल लिए, अब क्या है, a² - b² के रूप में खोलना है तो पहले बनाना होगा, पहले इसको a² - b, तो इसको हम पूरे को मान लेंगे, ये जो है पूरा कोष्ट में जो दिया हुआ है इसको हम मानेंगे a, ठीक है, और इसके बाद इसको कर देंगे 2ab करके इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 2×2 = 4 आ गया, a² और b² भी हो गया। अब देखिए पूरे को मानेंगे a² + 2b² को a और इसको मानेंगे 2ab को b, तो क्या होगा, a² - b² के फॉर्मूला पर क्या करेंगे, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो वही काम कर लेते हैं, a² + 2b² + 2ab, एक बार जोड़ दिया गया और एक बार घटा लेंगे हम, a² + 2b² तो लिखेंगे ही लिखेंगे और माइनस का 2ab लिख लेंगे आप, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही फाइनल आंसर। देख लीजिए एक बार गौर से। अब हम तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, 3 नंबर, बिल्कुल आसान है, x^4 + 4। अब तेजी गति से भी बनाया जा सकता है, क्या करेंगे, x² का स्क्वायर पूरा लेंगे, 2×2 = 4, x^4 आ गया, अब प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या हो गया, a² - b² के फॉर्म पर आ गया, अब इसको खोलेंगे a² + b² के फॉर्म पर, सूत्र पर खोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, a + b² माइनस 2ab, तो 2 × a के स्थान पर आ जाएगा x² और × b के स्थान पर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर गौर से, अब क्या करेंगे हम, पहले तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं जो स्पेस बना हुआ है, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ से
एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर तो लिखे ही लिखे, और इसको केवल क्या करना है, दो दूना चार, तो यानी माइनस का फोर एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ए इसके रूप में खोल लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में खोल लिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोलना है, तो इसको बनाना पड़ेगा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, और इसको क्या कर लेंगे, टू एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए पूरे को मानिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू को मानिए ए और टू एक्स को मानिए बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया। देखिए एक बार गौर से, अब क्या लिखेंगे, अब क्या करना आसान है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू और प्लस टू एक्स, एक बार जोड़ दिया गया, और एक बार घटा लेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स नहीं प्लस टू और माइनस का टू एक्स, बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसको क्या करना है, अंतिम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इसके बाद ऊपर, ठीक है, यहाँ भी चिन्ह लगा लेते हैं स्पष्ट। अब इसको सीक्वेंस में कर लेना है, केवल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पहले लिख लेंगे और इसके बाद प्लस टू इंटू फिर एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का टू एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और प्लस टू, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से इस प्रकार के गुणनखंड को ऐसे सॉल्व करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।